हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 10 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने हाल ही में पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब पंजाब में ना तो कोई ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जैसे मुर्गी हुआ, बकरी, भेड़ बकरी, इन सभी का कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। और अभी हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। तो बात हो रही है पंजाब की, तो देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अरमिंदर सिंह। राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल हैं बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आंसर इसका सही है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव को हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का महानिदेशक बनाया गया है। और देखिए के शिवन कौन है? के शिवन अपने इसरो के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में देखिए डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिका के आर्मी में मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है ऑल इंडिया फेडरेशन की, तो देखिए अध्यक्ष कौन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के? प्रफुल्ल पटेल। स्थापना इसकी 23 जून 1937 में हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में फतेह वन रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब बात हो रही है देखिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। ठीक है, इनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। राष्ट्रपति हैं RF Alvi। राजधानी है लाहौर और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट, हाल ही में एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रच दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16,000 किलोमीटर। बात हो रही है एयर इंडिया की, तो देखिए एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरिक गारलैंड को अटॉर्नी ऑफ जनरल के रूप में नियुक्त किया है। देखिए कमला हैरिस कौन है? तो कमला हैरिस ये भारतीय मूल की एक महिला हैं जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। देखिए अब बात हो रही है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। राजधानी है Washington DC और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। तो प्रकाश जावड़ेकर कौन है? देखिए प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय सूचना व प्रसारण और जल संसाधन मंत्री हैं। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अब बात हो रही है गुजरात की, तो देखिए गुजरात के CM विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने फिटनेस इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। अब देखिए बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? SS मल्लिकार्जुन। मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना कब हुई थी इसकी? 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पाकिस्तान के लाहौर में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। अब देखिए 9 जनवरी को मनाया गया, तो देखिए 9 से हम देखो इसको कैसे याद रखेंगे, 9 से मतलब हो जाता है नौकरी। ठीक है, 9 से नौकरी। अब देखिए प्रवासी मतलब क्या होता है? जो भारत में जन्मे हुए भारत के लोग हैं वो विदेश में, ठीक है, पढ़ने या नौकरी करने जाते हैं, तो प्रवासी हो जाते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। 9 जनवरी को उन्हीं की, ठीक है, सम्मान में ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस
मनाया जाता है। और दूसरा है, देखिए, जब 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की इस बार की थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में देश का पहला स्की पार्क कहाँ बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब बात हो रही है, देखिए, हिमाचल प्रदेश की, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और राजधानी है, इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, राजधानी, देखिए, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला होती है। देखिए ग्रीष्म में क्या रहता है? ग्रीष्म ऋतु में देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो शिमला में क्या बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडा मौसम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, इसमें जो ग्रीष्म ऋतु की जो राजधानी होती है वो कहाँ पे? शिमला होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ठंडी जगह है शिमला ग्रीष्म ऋतु में। और देखिए धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश की जो शीत ऋतु मतलब विंटर में जो जो राजधानी रहती है वो धर्मशाला रहती है। देखो सर्दियों में यार लोग बाहर तो ठहर नहीं सकते, तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? धर्मशाला की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कहाँ रहती है, ठीक है, धर्मशाला। तो इस प्रकार से आप इनको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो देखिए हमने 10 जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस किया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।